हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्लास एंड यू कैन सी हेयर हेयर आर सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सम पल्सेस एंड सम ग्रेन्स और सीरियल्स आर हेयर। सो नाउ यू आर थिंकिंग व्हाई मैम पुटिंग सो मच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतनी सारी चीजें जो हैं आपके सामने क्यों रखी हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थिंक वेयर वी गेट दीज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस, सीरियल्स? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं एंड दीज सीरियल्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कैन यू गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Yes? Yes or no? Okay. Can you tell me where we get this vegetable, this capsicum? Yes, any one of you? Very good. We get this capsicum from plants. कहाँ से मिलता है हमें ये? प्लांट से। वेरी गुड। नाउ कैन यू टेल मी वेयर वी कैन गेट दिस मैंगो फ्रॉम? फ्रॉम वेयर वी गेट दिस मैंगो? हमें ये मैंगो कहाँ से मिलता है? एनी वन कैन टेल मी? यस यस, यू आर राइट, फ्रॉम मैंगो ट्री। सो मैंगो ट्री इज अ बिग ट्री, राइट? सो ट्रीज आर ऑल्सो प्लांट्स बट दे आर बिग इन साइज, राइट? बट द कैप्सिकम प्लांट इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, जो कैप्सिकम प्लांट है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है साइज में। नाउ हेयर आर सम वन मोर वेजिटेबल एंड दैट इज गार्लिक। गार्लिक मीन्स लहसुन। सो दिस गार्लिक इज द रूट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये जो गार्लिक होता है वो एक प्लांट की रूट्स होती हैं, राइट? सो वी कैन ईट दिस अनियन। अनियन इज ऑल्सो द रूट ऑफ अ प्लांट, राइट? देन कैरेट। कैरेट इज ऑल्सो रूट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो कैरेट है वो भी रूट होती है। तो आपको पता है रूट कहाँ होती है? रूट इज ऑलवेज ग्रो अंडर द ग्राउंड। जो रूट्स हैं वो हमेशा ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं, जमीन के अंदर ग्रो करती हैं, ओके? बट दिस इज रूट एंड वी कैन ईट इट। नाउ आई हैव दिस पोटैटो। सो पोटैटो ऑल्सो ग्रो अंडर द ग्राउंड, बट इट इज नॉट रूट, इट इज द स्टैम्प ऑफ प्लांट। इट इज द स्टैम्प ऑफ प्लांट। सेम जिंजर। जिंजर ऑल्सो ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड जिंजर इज ऑल्सो स्टैम्प ऑफ अ प्लांट। जिंजर इज ऑल्सो स्टैम्प ऑफ अ प्लांट, ओके? देन आई हैव दिस टमैटो। सो कैन यू टेल मी वेयर वी गेट दिस टमैटो फ्रॉम? फ्रॉम वेयर वी गेट दिस टमैटो? यस, वी गेट दिस टमैटो फ्रॉम टमैटो प्लांट। टमैटो प्लांट इज स्मॉल प्लांट, ओके? सो वी गेट दिस टमैटो फ्रॉम टमैटो प्लांट। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट, आई हैव दीज, हेयर आर सम किडनी बीन्स। यू कैन सेट किडनी बीन्स, सम चिक पीस, सम ग्राम्स एंड अरहर। सो दीज ऑल आर पल्सेस। स्टूडेंट्स, कैन यू नो दैट दीज ऑल पल्सेस, वी गेट दीज ऑल पल्सेस फ्रॉम प्लांट। वी ऑल्सो गेट दीज पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। कि जो हमें ये पल्सेस हैं ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं, राइट? सो दीज आर द पल्सेस। नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी, हेयर इज कॉर्न और यू कैन ऑल्सो से इट मेज, राइट? सो जो कॉर्न है उसे हम मेज भी कहते हैं। दिस इज कॉर्न, दिस इज व्हीट
and these are rice. These are wheat, these are corns, and these are rice. These are the cereals, and these cereals are also, we also get these cereals from प्लांट. ठीक है, जो ये सीरियल्स हैं, ये जो अनाज है, इसे भी हमें, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. बट दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी द स्टेम्प ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी वीक. ठीक है, जो ये प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और इन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यू कम टू नो दैट, अब आपको क्या पता चला? ओके, बिसाइड दीज थिंग्स, ठीक है, इन चीजों के अलावा, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड सीरियल्स और ग्रेन, ठीक है, इन सब चीजों के अलावा भी जो है कुछ चीजें हैं जो हमें, देयर आर सम थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, लाइक टी. टी मीन्स चाय. आपके मम्मी पापा टी पीते हैं ना, सो टी. देन कॉफी, देन शुगर एंड स्पाइसेस. एंड स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स मसाले, द स्पाइसेस दैट वी यूज टू, वी पुट द स्पाइसेस वी पुट इन वेजिटेबल टू मेक इट टेस्टी. हम मसालों का यूज क्यों करते हैं? अपनी वेजिटेबल को, अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए, राइट? सो जो स्पाइसेस होते हैं, ओके, लाइक कार्डिमम, कार्डिमम मीन्स इलायची, क्यूमन, क्यूमिन मीन्स जीरा, देन कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया, है ना. देर आर लॉट्स ऑफ स्पाइसेस दैट वी यूज इन आर डेली फूड. ठीक है, बहुत सारे मसाले हैं जिन्हें हम अपने डेली फूड में यूज करते हैं, एंड वी गेट दीज ऑल स्पाइसेस, ऑल्सो गेट दीज ऑल स्पाइसेस फ्रॉम द प्लांट्स. सेम शुगर, शुगर मीन्स चीनी. So students, do you know where we get sugar? हमें sugar कहाँ से मिलती है? Have you ever seen the plant of the sugar? आपने क्या कभी sugar का plant देखा है? No, sugar का कोई plant नहीं होता है, but we get sugar from sugar cane. ठीक है, जो sugar है वो हमें sugar cane से मिलती है. Sugar cane means गन्ना. शुगर केन क्या होता है? गन्ना. तो आपको पता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ शुगर केन अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारे गन्ने के खेत हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स ऑफ शुगर केन अराउंड अस. ठीक है, तो जब वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. देन कॉफी, स्टूडेंट्स व्हाट इज कॉफी? कॉफी इज द सीड ऑफ अ प्लांट. कॉफी इज द सीड ऑफ अ प्लांट. ठीक है, कॉफी क्या है? एक प्लांट का सीड होता है, राइट? तो इस सीड को हम जब ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, आफ्टर दैट वी कैन यूज इट एज कॉफी. देन टी, व्हाट इज टी? टी इज द लीफ ऑफ द प्लांट्स. जो टी है वो क्या है? वो एक प्लांट की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, राइट? सो द टी इज द लीफ ऑफ द प्लांट, एंड वी यूज इट फॉर आर बेवरेज, मीन्स हम इसे अपने पीने के लिए यूज करते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स यू कम टू नो दैट वी गेट आर फूड, मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब आपको जो है पता चला होगा कि ये जो सारी चीजें हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड टी, कॉफी, शुगर, वी गेट आर ऑल फूड आइटम्स, ऑलमोस्ट ऑल फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. डू यू नो अबाउट दिस? ओके, सो नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी कैन यूज, व्हाट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट वी यूज फॉर eating, right? So let's see. Okay students, so now you come to know that where we get our food, we get our food from different parts of the plant. Okay, now plant give us fruits, vegetables, cereals or pulses. We also get tea, coffee, sugar, spices and our eligible oil.
जो हम खाना पकाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. ओके, देन नाउ स्टूडेंट्स आई विल, ओके स्टूडेंट्स यू कैन सी व्हाट इज दिस. दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट. दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट. सो यू कैन सी दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज फ्रूट एंड लीव, फ्लावर एंड बर्ड. सो स्टूडेंट्स वी कैन ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. वी कैन ईट द रूट ऑफ सम प्लांट्स. लाइक those vegetables that are roots of a plant is like beetroot, carrot, turnip, okay, and sweet potato. Sweet potato, okay, like carrot, radish, beetroot and turnip, these are the roots of a plant. Means gajar, mooli, beetroot means chukandar and the turnip means shaljam. Okay, these are the root of a plant and we eat them. ठीक है, और हम उन्हें खाते हैं. Then stem. Stem is like sugar cane, then potato, ginger. These are the stem of a plant. These are the stem of a plant. Then fruits. There are lots of fruits that we eat. ठीक है, बहुत सारे fruits हैं like mango, लीची, grapes, watermelon, है ना. So we can eat the fruits. We also eat the fruit of a plant. Then leaf. We can also eat the leaf of a plant. There are lots of vegetables that are used, leafy vegetables that are used for, we use for make vegetable. ठीक है, ऐसे बहुत सी जो vegetables हैं जिन्हें हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कैबेज. ओके, कैबेज, देन स्पेनिच, देन फेनग्री लीव्स. फेनग्री मीन्स मेथी. एंड मस्टर्ड लीव्स. मस्टर्ड लीव्स मीन्स सरसों के, जो सरसों का साग खाते हैं ना, दैट इज मस्टर्ड लीव्स, राइट. सो देन लेटस. लेटस मीन्स सलाद का जो पत्ता होता है, सलाद में यूज करते हैं ना सैलेड बनाने के लिए, दैट इज लेटस. सो दीज आर द सम टाइप ऑफ लीव दैट वी कैन ईट एज वेजिटेबल्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर. सो स्टूडेंट्स यू नो दैट वी कैन ईट सम वेजिटेबल्स दैट आर द फ्लावर ऑफ अ प्लांट. ठीक है, कई प्लांट का जो एक पार्ट होता है फ्लावर, उसमें कई वेजिटेबल्स भी हैं, लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली मीन्स गोभी एंड सेम ब्रोकली. सो द कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली इज द फ्लावर ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो हम उसे भी खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू नो, कम टू नो दैट दीज प्लांट गिव अस फूड, cereals, fruits, vegetables, lots of vegetable. Okay, so now you come to know that how we can get these vegetables. Now I explain you each part of the plant that we eat in book. Okay, so let's see. Here you can first thing that is fruit. So we get fruit from plants. Fruit are eaten raw. So as you know now that we get fruits from plants. We get all fruits from plants. Either they can small or either they can big. ठीक है, वो छोटे plants भी हो सकते हैं और बड़े plants like mango tree, apple tree. ठीक है, but and banana tree is also a small plant. So students, we can get fruits from the plant and the fruits are eaten raw. Means fruits को जो है वो कैसे खाया जाता है,
बिना पका है, मतलब हम उन्हें कुक नहीं करते हैं, हम उन्हें रॉ खाते हैं, मतलब कच्चा खाते हैं। दे आर मोस्टली सॉफ्ट एंड फ्लैशी, फ्रूट्स आर मोस्टली सॉफ्ट एंड फ्लैशी। व्हेन यू ईट द फ्रूट्स यू व्हाट यू ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट्स ऑफ जूस इन एवरी फ्रूट एंड फ्लैशी मीन्स उनमें बहुत सारा जो है फाइबर भी होता है। ओके, सो दीज फ्रूट्स आर मोस्टली सॉफ्ट एंड जूसी। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर इटन व्हेन दे बिकम हार्ड एंड ड्राई, दे आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दैट सम फ्रूट्स कैन इटन व्हेन दे बिकम ड्राई, मतलब कुछ फ्रूट्स को हम तब भी खाते हैं जब वो सूख जाते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स। सो लाइक कैश्यू नट्स, एलमंड्स एंड पिस्ताचियो मीन्स पिस्ता, सो काजू, बादाम एंड पिस्ता, सो दीज आर द ड्राई फ्रूट्स दैट वी कैन ईट। देन नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स, प्लांट गिव अस वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर इटन रॉ व्हाइल सम वेजिटेबल्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। प्लांट्स, नाउ यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस वेजिटेबल्स एंड सम वेजिटेबल्स वी कैन ईट रॉ विदाउट कुक। ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल्स को जो है वो हम बिना पकाए खा सकते हैं, बट सम वेजिटेबल्स नीड टू बी कुक्ड, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स को जो है वो पकाकर ही खाना पड़ता है। ओके, देन सम कैरेट वी कैन ईट, सम वेजिटेबल्स दैट वी कैन ईट रॉ, यू कैन सी सम पिक्चर्स हेयर, कैरेट, स्पेनिच, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, पोटैटो, पी। सो हेयर बिटवीन दीज वेजिटेबल्स वी कैन ईट कैरेट, टोमेटो एंड पीज एज रॉ। ठीक है, जो कैरेट है, टोमेटो है और पी है, इसे हम रॉ मीन्स बिना कुक किए भी खा सकते हैं। राइट, नाउ कलर द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रॉ। सो आप अपनी बुक में क्या करेंगे, हेयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो द वेजिटेबल दैट वी कैन ईट रॉ, मतलब ऐसी वेजिटेबल्स जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, बिना पकाए खा सकते हैं, उनको आपको कलर करना है, लाइक कैरेट, टोमेटो एंड दिस कुकम्बर, वी कैन ईट दिस वेजिटेबल्स रॉ। राइट, नेक्स्ट नाउ, एंड वी शुड ऑलवेज ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, शुड वॉश आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले उन्हें हमेशा वॉश करना है। ओके, नेक्स्ट इज फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स लाइक पल्सेस एज आई शो यू, लाइक किडनी बीन्स, चिक पीज एंड ग्राम्स, वीट, राइस, है ना, दीज आर द फूड ग्रेन। सो वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट, सो एज यू नो दैट वी ऑल्सो गेट दीज फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। सो फूड ग्रेन्स आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो प्लांट के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, मीन्स बीज होते हैं, दैट वी ईट, जिन्हें हम खाते हैं, दे आर कॉल्ड सीरियल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल्स, लाइक राइस, वीट एंड कॉर्न। आई शो यू दिस थ्री, राइस भी मैंने आपको दिखाया, वीट गेहूं, कॉर्न मीन्स मक्की, सो दीज ऑल थ्री राइस आई थ्री सीरियल्स आई शो यू राइट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। एंड पल्सेस लाइक किडनी बीन्स, ग्राम एंड पीज, पल्सेस मीन्स दालें, किडनी बीन्स मैंने आपको शो किए, ग्राम एंड पीज, सो दीज आर द फूड ग्रेन्स दैट आर द सीड्स ऑफ द प्लांट, फूड ग्रेन्स आर द सीड्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। एंड सीरियल्स लाइक वीट, कॉर्न, राइस, दीज आर द सीरियल्स, एंड पल्सेस आर किडनी बीन्स, ग्राम्स, चिक पीज, दीज आर द पल्सेस। नाउ विच फूड ग्रेन इज यूज टू मेक चपाती और व्हीट, सॉरी ब्रेड, सो आपको पूछ रहे हैं कि चपाती और ब्रेड बनाने के लिए कौन से फूड ग्रेन का यूज करते हैं, सो वी यूज व्हीट फॉर मेकिंग चपाती एंड ब्रेड। देन
almost all the food we eat comes from plant. So now you come to know that almost all the food that we eat comes from plant. कि जो जितना भी food हम खाते हैं वो सारा कहाँ से आता है? Plant से आता है. They give us fruits, vegetables and food grains. Plants gives us lots of fruits, vegetables and food grains. So we can eat that. Then we must eat a variety of food to stay healthy. We should eat healthy food and in a lots of quantity so we can remain healthy. Coffee, tea and sugar also come from plants. As I explained you earlier that coffee is the seed of a plant, tea is the leaf of a plant and sugar come from sugar cane. Okay, so we get these all three also from plants. Plants gives us oil from seeds and spices too. Plants जो है वो हमें क्या देते हैं? Oil भी देते हैं. Oils जो seeds से बनता है, like mustard seeds, sunflower seeds, then soybean seeds. These all seeds we can use to make oils and spices. I explain you that we add spices in our food to make our food tasty. ठीक है, spices हम अपने food में क्यों add करते हैं? अपने food को tasty बनाने के लिए. ठीक है, so now this is all about your this chapter that food gives us, sorry, plants gives us food. Now students, it's time to show you your worksheet. I will show you what. Okay, so students, this is your worksheet and in this worksheet your first question is draw and color two roots of plant that we can eat. Means हमें plants की ऐसे two roots लिखनी है किसी भी plant की जिन्हें हम खा सकते हैं. Okay, जिन्हें हम eat कर सकते हैं. So like first is carrot. You can draw like this carrot. Right, so this is carrot. Then you can next root is turnip. Next root is turnip. Right, so you can draw it like this, and then you will color this two roots. Then draw and color two stem of plant that we can eat. किसी plant की two stems आपको draw करनी है जिन्हें हम eat करते हैं, like potato and ginger. Potato and ginger, you can draw like this. Then next question in this worksheet is you will draw these vegetables. Okay, and then you will color these vegetables. Take the correct option. First question is potato is a dash where food is stored. Potato is a fruit, stem or root of a plant. So आपको क्या बताना है कि potato is a जो पोटैटो है विच पार्ट ऑफ द पोटैटो ऑफ अ प्लांट. जो पोटैटो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट है, स्टेम है या रूट है? सो आई एक्सप्लेन यू दैट पोटैटो इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट. स्टेम ऑफ अ प्लांट. देन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज अ फूड ग्रेन. मीन्स इसमें से कौन सा फूड ग्रेन है? व्हीट, बनाना और फिग. सो यू विल टेक ऑन व्हीट. ठीक है, फूड ग्रेन. ग्रेन मीन्स अनाज. तो इसमें से अनाज क्या है? व्हीट. बनाना एंड फिग आर द फ्रूट्स. देन कैरेट इज अ डैश विच वी ईट. व्हाट इज द कैरेट ऑफ अ प्लांट? प्लांट एक प्लांट का कैरेट कौन सा पार्ट है? इज इट रूट, स्टेम और स्पाइस? सो एज आई एक्सप्लेन यू दैट कैरेट इज द रूट ऑफ अ plant. Right, now give one word answer. Here I am giving you
some question and you have to give me answer in one word. Like, we get tea, coffee, sugar from. What I explain you? From where we can get tea, coffee and sugar? Yes, give me answer. Very good. From plants. We get all these three from plants. Name one cereal. Name one cereal. Cereal means good food grain. So any I show you some food grains like rice, then wheat, then corn or maize. So you can write any one of from them. Corn. C O R N. Corn. Right? Then chickpea, gram, arhar are. So chickpeas, gram and arhar are the, yes, what they are? They are, very good, they are pulses. P U L S E S. They are pulses. Name any leafy vegetable. Name one leafy vegetable that we can eat. So leafy vegetable that we can eat is spinach. S spinach. S P I N A C H. Spinach means palak. Okay students, so this is your worksheet. Now students, you come to know that we get our most of the food from the plants. Okay, now you will read this chapter at home and try to understand what is there in this chapter. Okay, so till then, stay home, stay safe and take care of yourself. Bye.